आम फलों का राजा है। जहांगीर से लेकर गालिब तक, राजा से लेकर रंक तक, सभी इसके दीवाने हैं। लेकिन इंदौरी फिर भी ज्यादा बड़े दीवाने हैं। चार दिनों में शहर में 70,000 दर्जन से ज्यादा आमों की बिक्री हुई है। मैंगो जतरा यानी मैंगो फेस्टिवल में लोगों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि आप पूछिए ही मत। बस ये रिपोर्ट देखिए। बीते 10 वर्षों से इंदौर आमों के एक खास फेस्टिवल का गवाह बन रहा है। इस मैंगो जत्रा में कई किस्मों के जायकेदार, लज्जतदार और खुशबूदार आम आते हैं। चाहे महाराष्ट्र का महंगा और क्लासिक हापुस हो या फिर दशहरी, लंगड़ा, तोतापुरी या नीलम, शहर के ढक्कन वाला कुआं में मौजूद ग्रामीण हाट बाजार में लगने वाली इस मैंगो जत्रा का आयोजन मराठी सोशल ग्रुप करता रहा है। इनका कहना है कि 70,000 दर्जन से ज्यादा आम की बिक्री हुई है। यह जो आपूस है अल्फांसो, जो सिर्फ कोकण में ही पैदा होता है, वो लोगों को अपने यहाँ इंदौर में घर तक मिल रहा है, तो बहुत अच्छा रिस्पांस इंदौर की तरफ से मिल रहा है इन लोगों को। महाराष्ट्र के आए किसानों का कहना है कि बेमौसम बारिश से आम की फसल पर भी असर पड़ा है, फिर भी लोग इधर आम खरीदने आ रहे हैं। यहाँ हापुस आम की कीमत 500 रुपए दर्जन से 1200 रुपए दर्जन तक है। हमारे यहाँ वैरायटी है रत्नागिरी हापुस और ये पायरी करके एक अलग वैरायटी है। ये दोनों वैरायटी हमारे पास है और एक जो यहाँ पे चूसने वाले आम जाते हैं, हमारे पास एक अलग वैरायटी थी चूसने वाले आम की, हापुस छोड़ के वो भी हम लाए थे, वो देखते देखते खत्म हो गई। इस मैंगो जत्रा का इंतजार इंदौरियों को बड़ी बेसब्री से रहता है, खासकर हापुस के शैदाई तो यहाँ आते ही है। ये बहुत बढ़िया आम है यहाँ जो आए इस बार में, और भाव भी बहुत अच्छे है। आम बहुत बढ़िया है, पूरे देवगढ़, रत्नागिरी सभी प्रकार के आए हैं यहाँ पे। ये जी मई महीने का इंतजार करते हैं, कब आ जाए, कब ले जाए, तो बहुत खुश होते हैं हम लोग। ये ऐसा इंतजार है जो साल भर अति उत्सुकता से करना पड़ता है, और रियल चीज़ यहाँ पर जो मिलती है वहाँ की, वो यहाँ संभव ही नहीं इंदौर के आसपास तो मिलना। खराब मौसम से आम की पैदावार कम हुई है, इसका असर कीमतों पर पड़ा है, इनमें करीब 20% इजाफा हुआ है। हालांकि आम के शौकीनों पर बढ़ी हुई कीमतों का असर दिखाई नहीं देता। स्वाद की राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में हर साल लोगों को मैंगो जत्रा का इंतजार रहता है। इस बार बेमौसम बारिश ने खलल जरूर डाला है, लेकिन आम के दीवानों की भीड़ अब भी मैंगो जत्रा में देखी जा सकती है, और इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 3 दिनों में 70,000 दर्जन से ज्यादा आमों की बिक्री हो चुकी है। धीरज पगारे के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर।